कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपने जब इस फील्ड में आना है या ये कोर्स लेना है तो आपको अपना टाइम को मैनेज करना होगा, वो लाजमी। अब टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर बंदा अभी 6 घंटे सोए, 3-4 घंटा खाने पीने में निकाले, तो उसके बाद बंदे के पास कुछ 16 घंटे होते हैं, 15 घंटे होते हैं, चलो उसमें से भी हम 10 घंटे निकाल देते हैं, तो आपका 5 घंटे बच जाते हैं या 4 घंटे बच जाते हैं। 4 घंटों में से भी आप अगर 3 घंटे को अच्छे से देते हैं इस काम को, स्मार्टली इसमें आप एक्सप्लोर भी करें, कम्युनिकेशन भी करें लोगों से, हेल्प भी करें, तो क्या है कि आपका टाइम जो है ना वो मैनेज। ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, अपने आप को बर्डन भी डालना, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं कि नहीं मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, और शुरू में हम ना थोड़े मोटिवेट होते हैं, वो मोटिवेशन की वजह से बस हम 16 घंटे पढ़ रहे होते हैं, 17 घंटे, नहीं हमने ये नहीं करना, हमने थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है ताकि हमें चीज़ों को पता लगे और अच्छे से पता लगे। टाइम थोड़ा दें बट अच्छा टाइम दें तो आपके लिए ये कोर्स है, ठीक है जी। सर ये दिन में 3 घंटे काफी? हाँ काफी, अगर अच्छे से दें तो, जिस तरीके से मैंने बताया। यार ये आधे पार्ट टाइम भी हो जाएगा? पार्ट टाइम हाँ बहुत सकते हैं स्टार्ट में, बट हाँ अगर आपके पास टीम नहीं है अकेले तो फिर मसला है, फिर मसला अकेला थोड़ा। फिर फ्रीलांसिंग के बेनिफिट तो खैर सबको ही बताओगे, फ्लेक्सिबल आवर होते हैं इसमें, किसी की मर्जी के अलावा, मतलब किसी की मर्जी नहीं होती कि आप इसी टाइम पे काम करोगे, ऐसा नहीं होता। आपको बता देते हैं कि आपने इतने घंटे काम करना है, घंटे आपने खुद सिलेक्ट करने हैं कि मैं किस घंटे में काम करूंगा। इसमें मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है, अब एक इनकम आपकी चल रही है फेसबुक से, वहाँ से क्लाइंट आ रहे हैं, दूसरी अपवर्क से, फाइवर हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो आपके पास यहाँ सोर्सेस ना वो कम नहीं है, सोर्सेस बहुत हैं, बट आपको यूटिलाइज करने आने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को तो लिंक्डइन का पता ही नहीं होगा, बहुत से को फेसबुक जो हम चला रहे हैं वो सिर्फ रील्स के लिए चला रहे हैं, या तो फेसबुक हम इसलिए चला रहे हैं कि पोस्ट करना है या ग्रुप में गप्पे शप्पे मारनी है, ऐसा नहीं होता। फेसबुक जो है वो हमारी स्किल के लिए भी है, इस चीज़ को हमने थोड़ा बहुत जाना, और यहाँ से आपको मल्टी मिलियन की कंपनीज भी मिलती है सिर्फ फेसबुक से, और यहाँ से आप लीड अगर निकालना चाहें किसी कंपनी की तो आपको आसानी से मिल जाती है, कंपनीज आपको फेसबुक से ही अप्रोच करती है। दूसरा इंस्टाग्राम भी सबको ही पता होगा, और इंस्टाग्राम भी हम सिर्फ रील्स के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज बैठी हुई हैं जो आपको काम देती हैं। ऐसी लिंक्डइन है, अपवर्क है, काम यहाँ पर बहुत है, ठीक है, काम करने वाला नहीं है, काम की क्वालिटी नहीं, हम जो फोकस करते हैं हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं कि काम की क्वालिटी को किस तरीके से बेहतर बनाएं, जितनी हमारी काम की क्वालिटी बेहतर होगी उस तरीके से फिर काम होगा, और जो क्लाइंट है आपको और किसी को भी रेफर करेगा, अगर आपसे काम अच्छा नहीं करेंगे तो आपको रेफर नहीं करेगा, ठीक। जहाँ से आपने काम करना है आप काम करें, ठीक है, कोई इसमें नहीं, बट आपके पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए, ठीक। आप पहाड़ों में जाइए काम करें, बैठ जाएं ऊपर आप काम करें, कोई मसला नहीं है उसमें, अच्छा अफोर्डेबल टू गेट स्टार्ट। अच्छा इसमें ऐसा है कि अफोर्डेबल इसलिए क्योंकि अगर कोर्सेज देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे तो वो कुछ ज़्यादा ही महंगे होते हैं, हमारी कोर्सेज की जो फीस थी वो थोड़ी बहुत ज़्यादा थी, बट हमने क्या है कि आजकल जो जैसे हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए फिर हमने जो फीस है अपनी थोड़ी बहुत कम की है, ठीक है, अभी जो हमारी फीस है वो 32,500 है। अच्छा इस स्किल की ना बहुत डिमांड है, अमेजोन आपको पता है कि अमेजोन अपनी जो उनका रेवेन्यू है उसमें कम नहीं हो रहे, मैं अगर मार्च की बात करूँ तो मार्च को उन्होंने किया था $300 मिलियन सिर्फ 3 महीने, जनवरी से लेके मार्च तक उन्होंने किया था $300 मिलियन, ये भी कम नहीं है, और उसमें से 157 मिलियन सिर्फ प्राइम कस्टमर थे जो कि पेड सब्सक्रिप्शन लेके अमेजोन से परचेजिंग करा करते। और दूसरी इसकी डिमांड इसलिए कम नहीं होगी क्योंकि हर कोई जो भी वीए है, ठीक है, वो जब टीम बनाता है तो उसकी टीम भी बढ़ती रहती है, उसको भी आपकी नीड है, मतलब जो नए क्लाइंट आ रहे हैं उनको भी आपकी नीड है, तो वहाँ जो चीज़ है नहीं वो ये चीज़ नहीं कि वहाँ क्वालिटी सर्विसेज देंगे, हमने जब फोकस करना है वो क्वालिटी पे काम करना है, जब आप क्वालिटी सर्विसेज देना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली क्लाइंट आपको जाता है। अच्छा काम जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं, आपने FBA होलसेल करना है आप वो करें, आपने प्राइवेट लेबल करना है आप वो करें, प्राइवेट लेबल में बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं, बहुत सारी निशेज हैं, आप आपको उसमें काम करना है आप उसमें काम करें,
अच्छा जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि अमेज़न जो था ना शुरू में सिर्फ बुक सेल करता था, ठीक है। 1947 में इसने जेफ बेज़ोस जो है, ठीक है, शुरू में ये सिर्फ बुक सेल करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये वन स्टॉप शॉप बन गई। यहाँ पर आपको सर्विसेज भी मिलेगी, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स भी मिलेगी। यहाँ अगर आपको लायर चाहिए तो आपको लायर भी मिल जाता है, ठीक है। आपको दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए अमेज़न पर आपको मिल जाता है। जो मैंने अभी आपसे बात की जनवरी से लेके मार्च तक इन्होंने किए थे 300 मिलियन, ठीक है। उन्होंने सिर्फ परचेजिंग की थी जिसमें से 157 मिलियन जो थे सिर्फ उसके सब्सक्राइबर थे जो कि पेड। अच्छा वाई अमेज़न? अमेज़न इसलिए क्योंकि इसकी डिमांड अल्टीमेटली जैसे हमने पीछे बात की इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, इसकी डिमांड बढ़ती रही है। तो क्लाइंट ढूंढते हैं जो कि मैंने आजकल आज से क्योंकि 3 सालों में इस फील्ड में तो जो जाता है जो हमने शिकायत दी कि वो शिकायत ये देखिए कि किसी को क्वालिटी सर्विसेज नहीं है। जो भी बंदा आ रहा है वो सिर्फ क्लाइंट से उसकी जो सैलरी वगैरह होती है वो लेता है और फिर चला जाता है, अच्छे से काम नहीं करता है क्योंकि उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। यहाँ आप जो भी बंदा देख लें वो भी यूट्यूब से सीखेगा क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती तो उसको पता नहीं होता कि मैंने करना क्या है। तो क्या है कि हम जो फोकस करते हैं वो सिर्फ क्वालिटी पर करते हैं ताकि अगर उसके पास क्लाइंट आए तो क्लाइंट को बता सके कि आपको ये इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है और ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये होगी कहाँ और किस तरीके से इन्वेस्ट होगी। अगर आपको ये चीज़ें पता है और आपको पता है कि आपको क्लाइंट क्यों हायर कर रहा है, किसे हायर कर रहा है और उस चीज़ के ऊपर आपको ग्रिप है तो गुड टू गो है आप इस काम में। हाँ अगर आपको लगता है कि नहीं क्वालिटी सर्विसेज मैं नहीं दे पाऊँगा या जो स्किल्स हैं उसके ऊपर मैं काम नहीं कर पाऊँगा तो आप उसको छोड़ सकते हैं क्योंकि हर कोई ढूंढता है क्वालिटी। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी ना तो एक क्लाइंट 10 क्लाइंट्स को जाके रेफर करेगा कि हाँ ये बंदा ये क्वालिटी सर्विस देता है। अमेज़न भी कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ जहाँ अमेज़न खुद सेल करता है जहाँ से आप मतलब प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। इसमें यूएसए है, जर्मनी है, यूके है, इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, जापान है, मेक्सिको है, यूएई भी है, सिंगापुर वगैरह। अच्छा इसमें है क्या, अमेज़न जो है ना सिर्फ पहले था यूएस में, उसके बाद वो अभी जो है वो 23 कंट्रीज में है। अब देखें अमेज़न जो है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 23 कंट्रीज में चला जाता है और वो 3 महीने की जो सेल है अपना रेवेन्यू $300 मिलियन कर रहा है। अगर हम इसमें जाते हैं तो क्लाइंट की तो कमी नहीं है, पहली चीज़ ये। तो ऐसी अगर हम कोई प्रोडक्ट अच्छे से उठाते हैं और उस पर सेल करना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास सेल ना। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी के ऊपर जाते हैं, अच्छी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, उस चीज़ के बाद जब आप जाते हैं ना तो आपको अल्टीमेटली अमेज़न की तरफ से रिस्पॉन्स होगा। अमेज़न क्या है कि बायर फ्रेंडली भी है और सेलर फ्रेंडली भी है। सेलर को बहुत सी वो अपॉर्चुनिटी देता है कि वो आए 14 दिन वो सेल करे, 3 महीने तक उसको मतलब अच्छी सी अपॉर्चुनिटी देता है, उसे रेफरल फी वगैरह नहीं लेता है। और साथ साथ ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो रैंक करने में आसानी देता है। तो अमेज़न जो है इसके फिलहाल कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है दुनिया में। सबसे जो सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ अमेज़न है। उसके बाद अगर बात करें तो फिर ईबे है, फिर आपका वॉलमार्ट है, फिर अब जो है वॉलमार्ट की जगह टिकटॉक शॉप आ गया, फिर उसके बाद वॉलमार्ट, इसके बाद हमारे पास वन है, ठीक। अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं अमेज़न तो आप यूएस में सेल कर सकते हैं, जर्मनी में, ये जो मार्केट प्लेसेस हैं यहाँ आसानी से सेल कर सकते हैं। अच्छा अमेज़न पे सेल करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है प्राइवेट लेबल, एक होता है एफबीए होलसेल। इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब प्राइवेट लेबल क्या होता है कि मेरे पास एक शॉपर है या मेरे पास एक है, मैं क्या करता हूँ ये मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपने ब्रांड के नाम से सेल करूँ। वहाँ पे एंट्रा की गेप देखी होगी, आपने बमाई गेप भी देखी होगी, नेक की भी देखी होगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर अपना ब्रांड का लोगो लगाते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। अभी मेरे गेप के ऊपर कोई लोगो नहीं है तो आपको नहीं पता कि किस ब्रांड का, ऐसा ही है। अगर किसी चीज़ के ऊपर उसका लोगो लग जाए वो अपने ब्रांड के नाम से सेल करे तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट। दूसरी एग्जाम्पल इसकी लेते हैं
एक बंदा है फीफा का जो जो फुटबॉल्स वगैरह है वो हमारे शेयर बोर्ड से बनता है। सही, तो उसमें पहले लोगो नहीं होते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिर्फ होती है शेयर बोर्ड, उसके ऊपर फिर बाद में जाके एडिडास का लोगो लगता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई? सियालकोट में। नाम सियालकोट का नहीं गया, नाम जो गया है वो किस ब्रांड की गया? एडिडास। लोग जो परचेज करेंगे किससे करेंगे? एडिडास। ठीक है, ब्रांड की वैल्यू किसकी बढ़ रही है? एडिडास। अगर हम भी अमेजोन पर सेल करना चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अपना ब्रांड बिल्ड करना है, अपने ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है, तो आप क्या करते हैं? कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उसके ऊपर अपना लोगो लगाते हैं, वो उसको सेल करना शुरू कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रांड। दूसरा मॉड्यूल हमारे पास होता है FBA होलसेल। अच्छा, FBA होलसेल क्या होता है कि आपके पास एक ऑलरेडी बिल्ड एक ब्रांड है जो कि रीनोन ब्रांड है, जैसे कि नाइकी हो गया, पमा हो गया, ठीक है, प्रीपेड हीरो हो गया, किचनली हो गया, ऐसे बहुत से ब्रांड हैं जो कि ऑलरेडी आप जानते भी हैं, सब जानते हैं। आप चाहते हैं कि मैं नाइकी की प्रोडक्ट सेल करूँ उसी की लिस्टिंग के ऊपर अमेज़न में। अगर आप ये चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसकी प्रोडक्ट निकालते हैं और नाइकी को अप्रोच करते हैं और नाइकी से कहते हैं कि मैंने आपकी प्रोडक्ट जो है आपकी लिस्टिंग पर सेल करनी है,